एक लीटर में कितना चलता है हवाई जहाज, बाइक कार का माइलेज पता है, प्लेन का पता है क्या? एक सेकंड में 4000 ml, बड़ा महंगा है प्लेन उड़ाना, माइलेज कर देगा हैरान। फ्लाइट का फ्यूल होता है आम फ्यूल से अलग और महंगा, एक मिनट में 200 लीटर से अधिक हो जाता है खर्च। बस कार बाइक का माइलेज जान लिया, अब जानिए हवाई जहाज का माइलेज। हम कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, यही ना कि माइलेज कितना है, उसके बाद बाकी फीचर पर नजर जाता है। उसी तरह हम बाइक खरीदने से पहले भी माइलेज चेक करते हैं, जिस बाइक में अच्छा माइलेज मिले वही खरीदते हैं। फिर आपने कभी जानने की कोशिश की है कि एक हवाई जहाज कितना माइलेज देता है? एक हवाई जहाज एक सेकंड में 4 लीटर फ्यूल खपत कर देता है। ऐसे में एक मिनट का अंदाजा लगाइए और फिर आपके 2 घंटे की यात्रा की। चलिए विस्तार से बताते हैं हवाई जहाज के माइलेज के बारे में। हवाई जहाज के ईंधन के खपत का एक मोटा मोटा अनुमान आपको ये हो ही गया होगा कि एक सेकंड में 4 लीटर ईंधन खपत होता है। हवाई जहाज के माइलेज को समझने के लिए बोइंग 747 विमान का उदाहरण लेते हैं। बोइंग 747 विमान की औसत स्पीड करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जिसमें एक बार में लगभग 500 यात्री सफर कर सकते हैं। बोइंग विमान प्रति सेकंड लगभग 4 लीटर ईंधन की खपत करता है। इस हिसाब से एक मिनट की यात्रा के लिए ये 240 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। एक बोइंग विमान प्रति घंटे 14,400 लीटर ईंधन की खपत करता है। 2 घंटे की यात्रा हो तो 14,400 का डबल कर लेंगे। ये हुई समय के हिसाब से ईंधन की खपत। अब बात दूरी के हिसाब से देखें तो ये विमान 1 लीटर ईंधन में करीब 0.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बोइंग 747 विमान 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर फ्यूल की खपत करता है। इस विमान की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इंटरनेट पर मिली जानकारियों और बोइंग से जुड़ी एक वेबसाइट के अनुसार बोइंग 747 विमान 1 गैलन यानी लगभग 4 लीटर ईंधन हर सेकंड खर्च करता है। इस विमान में प्रति मील लगभग 5 गैलन ईंधन खर्च होता है। 1 गैलन में 4 लीटर यानी करीब 12 लीटर प्रति किलोमीटर। अब एयरबस A32 विमान की बात करें तो ये विमान 1 सेकंड में 0.683 लीटर ईंधन की खपत करता है। विभिन्न वेबसाइट और गूगल की जानकारियों की माने तो टोक्यो से न्यूयॉर्क शहर के बीच करीब 13 घंटे की उड़ान के लिए बोइंग 747 विमान लगभग 187,200 लीटर ईंधन की खपत करता है। इस प्लेन में 568 लोग सफर कर सकते हैं। अगर फ्यूल की कीमत में इजाफा होता है तो इसका असर यात्रियों के भाड़े पर पड़ता है। आपने अभी जाना हवाई जहाज का माइलेज, अब आप कार बाइक बस के साथ साथ अनुमानित तौर पर हवाई जहाज का माइलेज भी जान चुके होंगे। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाइक के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, टेकरीवाल हीरो शोरूम आपके लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। गोटा के सबसे पुराने और आपके भरोसे का शोरूम टेकरीवाल हीरो शोरूम, लेटेस्ट डिजाइनों का एक ऐसा शोरूम जहां हीरो के स्प्लेंडर हो या ग्लैमर, इंपल्स हो या एक्सट्रीम, सभी तरह के बाइक मिल जाएंगे। EMI से लेकर एक्सचेंज ऑफर तक टेस्ट राइडिंग के साथ उपलब्ध। अगर आप भी बना रहे हैं नई बाइक लेने का मन तो देर किस बात की, जल्दी करें हीरो टेकरीवाल शोरूम नियर नहर चौक भदडीहा गोड्डा झारखंड। शर्तें लागू।